हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी का टैक्स रेट चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि हमने पहले कोई कंपनी क्रिएट करी होगी, उसमें जो टैक्स रेट सेट कर रहा होगा उसको आज हम चेंज करेंगे। आज हम एक कंपनी लेवल के ऊपर और स्टॉक आइटम लेवल के ऊपर टैक्स रेट चेंज करेंगे, यानी कि जो टैक्स रेट हमने कंपनी क्रिएट करते टाइम सेट कर रहा होगा उसको चेंज करेंगे। और दूसरा स्टॉक आइटम लेवल, यानी कि जो टैक्स रेट हम एक सिंगल आइटम क्रिएट करते टाइम सेट करते हैं उसको भी चेंज करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, कंपनी मैंने ओपन कर ली है जिसका नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट सेट करते हैं तो उसके लिए हम जाते हैं F11 फीचर में। नेक्स्ट है स्टैचुरी एंड टैक्सेशन, इसको ओपन करें। फर्स्ट है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम यस रखते हैं। एंड नेक्स्ट है सेट अल्टर GST डिटेल। तो जब हम कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट सेट करते हैं तो उसका जो टैक्स रेट है उसको हम यहाँ पे देते हैं। मैं आपको एंटर एंटर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम रखते हैं यस, और नीचे हम देते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि 28%। कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट हम तभी देते हैं जब हमारी कंपनी एक सिंगल टैक्स रेट में काम करती है। इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखी है जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जोड़ दूंगा, आप जुड़ जाके देखें। तो मान लीजिए यहाँ पे टैक्स है 28%। अब मैं इस टैक्स को 28% के बजाय 18% रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे करेंगे 18%, यहाँ पे एंटर करें। तो ये कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने ओपन होगी कि रिवाइज एप्लीकेबिलिटी, कि जो टैक्स है आपका 18% वो कब से लगना शुरू होगा। देखिए ना, पहले मेरी कंपनी में टैक्स रेट था 28%। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 दिसंबर तक जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सभी के ऊपर 28% टैक्स लगेगा। लेकिन जो डेट मैं यहाँ पे सेट करूंगा उस डेट के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उन सभी के ऊपर 18% टैक्स लगेगा। मेरी बात समझिए आप, पहले हम करते थे डील 28% में, वो पहले की बात है। लेकिन अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इसको चेंज करने के बाद यहाँ पे डेट देना बहुत जरूरी है कि कब से हम अपने टैक्स रेट को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखा है 18%। तो यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी से मैं टैक्स रेट चेंज करना चाहता हूँ। बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना। इसी प्रकार इसको एंटर एंटर करें और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसको सेव कर लें। अब हम 1 जनवरी से पहले जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे उन सभी के ऊपर 28% टैक्स लगेगा, और 1 जनवरी के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे उनके ऊपर 18% टैक्स लगेगा। इसके साथ संबंधित एक दो एंट्री मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक आइटम। तो उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में। नेक्स्ट स्टॉक आइटम, फर्स्ट है क्रिएट। तो मान लीजिए हमारी कंपनी जो है वो LED बल्ब बेचती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम LED बल्ब, उसको रखेंगे अंडर प्राइमरी। नेक्स्ट है कैटेगरी, तो कैटेगरी रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है यूनिट्स, यानी कि हम उनको किस यूनिट्स में मेजर करना चाहते हैं, यानी कि पीसीस, बॉक्सेस, मीटर। तो LED बल्ब है, इनको हम पीसीस में मेजर कर सकते हैं, तो हम रखेंगे पीसीस। नेक्स्ट है GST एप्लीकेबल, इसको हम एप्लीकेबल रखेंगे। बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना क्योंकि हम LED बल्ब के ऊपर कंपनी लेवल का टैक्स रेट लगाना चाहते हैं, जो कि हमने 28% दिया था लेकिन उसको चेंज करके हमने 18% कर दिया है। तो इसको हम एप्लीकेबल रख के सेट अल्टर GST डिटेल को रखेंगे नो। नेक्स्ट रखेंगे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, यहाँ पे एंटर करें। बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करें इसको सेव करने के लिए। यहाँ से बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। नेक्स्ट हम एक एंट्री पास करके देखेंगे, उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में, इसको ओपन करें। तो सबसे पहले हम कुछ LED बल्ब परचेज करके देखते हैं। तो F9 प्रेस करें LED बल्ब परचेज करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डेट चेंज करेंगे, तो डेट का जरूर ध्यान दें। 1 जनवरी से पहले लगेगा 28%, 1 जनवरी से बाद लगेगा 18%। तो 1 जनवरी से पहले यानी कि दिसंबर, तो हम 1 दिसंबर ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखें 1 दिसंबर। नेक्स्ट है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे कोई भी क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं, यहाँ पे एंटर करें। नेक्स्ट है पार्टी अकाउंट नेम, तो हम किन से सामान खरीदना चाहते हैं, तो हम रखेंगे ABC क्रेडिटर। नेक्स्ट है परचेज लेजर, यहाँ पे रखेंगे परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे रखेंगे LED बल्ब जिसको हमने अभी भी क्रिएट करा है, यहाँ पे एंटर करें। लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे रखेंगे नोट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, यहाँ पे रखेंगे नोट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है गुडोन, यहाँ पे रखेंगे मेन। तो क्वांटिटी में कम से कम इसके 100 पीस मंगवा लेता हूँ। तो एक की कीमत है मात्र 150 रुपया, यहाँ पे एंटर एंटर करें। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो कि LED बल्ब के ऊपर कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे टैक्स एनालिसिस। यहाँ पे साइड में देखिए दे रखा है टैक्स एनालिसिस, इसके ऊपर क्लिक करें या प्रेस करें Alt A।
तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt प्लस F1। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि LED बल्ब के ऊपर 28% टैक्स लग रहा है, 14% CGST और 14% SGST। यानी कि हमने जो कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट सेट करा था वो बिल्कुल सही करा था, ये बिल्कुल सही उठा रहा है, क्योंकि हमने टैक्स रेट सेट करा है 1 जनवरी से पहले का, ये उठाएगा 28%। अगर हम इसी एंट्री को 1 जनवरी से बात करते हैं तो ये उठाएगा 18%। तो फिलहाल हम इसको एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। तो यहाँ पे 14% SGST और 14% CGST कट गया है, इसको हम एंटर एंटर करके सेव कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टेबल वाज डिटेल, यहाँ पे रखेंगे न्यू रेफरेंस नेम, उसका रखेंगे 013, यहाँ पे एंटर एंटर करें और इसको सेव कर लें। नेक्स्ट हम एक और परचेज की एंट्री डाल के देखते हैं, उसकी हम डेट रखेंगे 1 फरवरी। तो सबसे पहले हम इसकी डेट चेंज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसकी डेट चेंज करें, यहाँ पे एंटर करें। नेक्स्ट सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पे रखेंगे 014, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं। नेक्स्ट है पार्टी अकाउंट नेम, तो फिर से रखेंगे ABC कैरेक्टर जिनसे हम सामान खरीदेंगे। नेक्स्ट है परचेज लेजर, यहाँ पे रखेंगे परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे रखेंगे LED बल्ब। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर, यहाँ पे रखेंगे नोट एप्लीकेबल। नेक्स्ट फिर से नोट एप्लीकेबल। नेक्स्ट है गुडोन, यहाँ पे रखेंगे मेन। तो इसकी क्वांटिटी मैं फिर से मंगवा लेता हूँ 100 पीसेस, एक की कीमत है 150 रुपये, यहाँ पे एंटर एंटर करें। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमने डेट रखी थी 1 दिसंबर, अब रखी है 1 फरवरी, यानी कि अब इस ट्रांजेक्शन के ऊपर 18% टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि हमने टैक्स रेट चेंज करा था 1 जनवरी के बाद। तो 1 जनवरी से पहले ही 28%, 1 जनवरी से बाद 18%। तो फिर से देखें, यहाँ पे साइड में दे रखा है टैक्स एनालिसिस, इसके ऊपर क्लिक करें। तो इसको डिटेल में देखने के लिए प्रेस करें Alt प्लस F1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9% CGST और 9% SGST कट रहा है। इसका मतलब है कि इस ट्रांजेक्शन के ऊपर 18% टैक्स लग रहा है। पहली ट्रांजेक्शन के ऊपर लग रहा था 28%, इसके ऊपर लग रहा है 18%। तो इसी प्रकार इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे पहले की तरह लगाएंगे इनपुट CGST और इनपुट SGST, यहाँ पे एंटर एंटर करें। यहाँ पे देंगे विलवास डिटेल, यहाँ पे नीचे निशन ड्यू टाइप करेंगे, कंट्रोल प्लस ए सेव। तो फ्रेंड्स, अभी अभी हमने कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट चेंज करना सीखा है कि हम किस प्रकार कंपनी लेवल में दिए गए टैक्स रेट को चेंज कर सकते हैं। अब हम स्टॉक आइटम लेवल के ऊपर टैक्स रेट चेंज करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास आइटम कौन कौन सी हैं और उनके ऊपर कितने कितने परसेंट टैक्स लग रहा है। तो उसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में, नेक्स्ट है स्टैचुअरी रिपोर्ट्स, नेक्स्ट है GST। यहाँ पे नीचे देखिए दे रखा है GST रेट सेटअप, यहाँ पे एंटर करें। तो यहाँ पे आपके पास जितनी भी आइटम्स होंगी वो सभी आ जाएंगी, और उनके ऊपर कितने कितने परसेंट टैक्स लग रहा है वो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास MI Note 10 Pro है, जिसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, 9% CGST और 9% SGST। उसके बाद हमारे पास है MI 4, जिसके ऊपर लग रहा है 28%। उसके बाद हमारे पास है सैमसंग हेडफोन्स, जिनके ऊपर भी लग रहा है 28%। उसके बाद हमारे पास है MI फास्ट चार्जर, जिनके ऊपर लग रहा है 12%, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है। और इसी प्रकार हमारे पास और भी कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये वाला टैक्स रेट लग रहे हैं। अब मान लीजिए कि मेरे को MI Note 10 Pro के लिए जो टैक्स रेट है उसको चेंज करना है, यहाँ पे 18% है, मेरे को इसके ऊपर 28% लगाना है। तो यहाँ पे आप साइड पे देखिए दे रखा है टैक्स रेट, यानी कि अगर आपको फिर से टैक्स रेट सेट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें या प्रेस करें Alt प्लस S। तो ये कुछ इस प्रकार की आपके सामने ओपन होगी। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट है HSN एंड SSC कोड, नेक्स्ट है कैलकुलेशन टाइप, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो यहाँ पे पहले लगता था 18%, यानी कि MI Note 10 Pro के ऊपर लगता था 18%, लेकिन अब इसके ऊपर लगेगा 28%। तो यहाँ पे मैं 28% कर देता हूँ, यहाँ पे एंटर एंटर करें। तो फिर से आपके पास वही विंडो ओपन होगी जो हमने कंपनी लेवल के ऊपर टैक्स रेट चेंज करते टाइम देखी थी, यानी कि यहाँ पे लिखा है एप्लीकेबल फ्रॉम। जो टैक्स 28% हमने चेंज करना है वो कब से एप्लीकेबल होगा, इसका मतलब है यहाँ पे जो डेट सेट करोगे उससे पहले की डेट पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 18%, और इस आइटम के ऊपर यहाँ पे जो डेट चेंज करोगे उसके बाद की डेट के ऊपर लगेगा 28%। मान लीजिए आप यहाँ पे 1 दिसंबर रखते हो, 1 दिसंबर से पहले यानी कि नवंबर, अक्टूबर, अगस्त में जितने भी महीने होंगे उन सभी के ऊपर लगेगा 18%, लेकिन 1 दिसंबर और इसके बाद के टाइम में सभी के ऊपर लगेगा 28%। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे 1 दिसंबर,
यहाँ पे एंटर करें, बाकी हमने किसी को नहीं छेड़ना, इसको फिर से कर लें एक्सेप्ट। अब आप MI Note 10 Pro की सेल परचेज अगर दिसंबर से पहले करते हो तो उसके ऊपर लगेगा 18%, और अगर दिसंबर से बाद करते हो तो उसके ऊपर लगेगा 28%। अब इसके साथ संबंधित आपको एंट्री करने की जरूरत तो है नहीं कि मैं आपको फिर से एंट्री करके बताऊं, आप एक बार खुद एंट्री करके देखें, कुछ एंट्री परचेज की करें, कुछ सेल की करें, लेकिन डेट चेंज करना ना भूलें, डेट जरूर चेंज करें। जो भी डेट आप एप्लीकेबल फॉर्म की जगह पर रखोगे उसके पहले वो टैक्स लगेगा जो आपने पहले रखा होगा, और उसके बाद वो टैक्स लगेगा जिसको आप चेंज करके रखोगे। उसी प्रकार अगर मैं MI4 के लिए टैक्स रेट चेंज करना चाहता हूँ या किसी और आइटम के लिए टैक्स रेट चेंज करना चाहता हूँ तो यही सेम प्रोसेस है, आप इसको फॉलो करके इसको चेंज कर सकते हो। देखिए ना, एक तो हमने ये प्रोसेस सीख लिया, इसको चेंज करने का एक दूसरा प्रोसेस भी होता है, उसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से बैग जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ से ओपन करें इन्वेंटरी इन्फो, नेक्स्ट स्टॉक आइटम, और लास्ट है अल्टर, हम करेंगे अल्टर। अब मान लीजिए हम MI Note 9 के लिए टैक्स रेट चेंज करना चाहते हैं, इसके ऊपर एंटर करें, यहाँ पे एंटर करें और जाएं सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हम रखेंगे यस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि MI Note 9 के ऊपर 12% टैक्स लग रहा है, अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रख देंगे 18%, 28%, 5%, जितना भी हम चेंज करके रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे रखेंगे 18%, इसको एंटर करें, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, फिर सही है, यहाँ पे डेट रख दें, इस डेट से पहले वो वाला टैक्स लगेगा जिसको हमने पहले सेट करा होगा, और इस डेट के बाद वो लगेगा जिसको हम अभी सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दो तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप स्टॉक आइटम लेवल के ऊपर टैक्स रेट चेंज कर सकते हो। एक तो वो है कि डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट्स जीएसटी एंड जीएसटी डेट सेटअप, वहां से आगे चेंज कर सकते हो, और एक यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से हम बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोसेस था जिसकी मदद से आप कंपनी लेवल के ऊपर और स्टॉक आइटम लेवल के ऊपर टैक्स रेट चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।